हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे है यामा की ऑल न्यू एफजेड एस वर्जन 3 जो कि डिलक्स एडिशन में है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उसका डिटेल्स वर्क अराउंड रिव्यू किया हुआ था, क्या कुछ चेंज था उसमें मैंने बताया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा चेंज आपको यहाँ पे कलर में देखने को मिलेगा, जो कि ग्लोसी में ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम कलर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि देखा था जो कि काफ़ी महंगी बाइक में वो कलर वगैरह आती है। इस सेगमेंट में ये ऐसा कलर यामाहा जैसा दे रही है वैसा अभी तक किसी भी बाइक में शायद मुझे देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर अब हम इसमें चेंजिंग के बारे में बात करने वाले हैं, क्या कुछ आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। तो हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज आपको यहाँ पे आपको ABS लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, यहाँ पे स्टिकर में यामा लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। ABS और यामा लिखा हुआ दोनों स्टिकर में देखने को मिलता है। एलॉय में आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है। तो लुक आप एक बार देखिए, दोनों साइड में आपको देखने को मिलता है, तो लुक इसका काफ़ी अच्छा प्यारा निकल के सामने आ जाता है। और यहाँ पे अगर चले तो यहाँ पे आपको सिंगल डुअल डिस्क मिलता है, साथ ही इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। और वहाँ इस साइड में भी आपको ABS का स्टिकर और यामा का स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर टायर साइज़ के बारे में बात करें तो C8 Zoom प्लस का आपको टायर देखने को मिलता है। और टायर साइज की बात करें तो 180/17 सेक्शन के आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक 4 सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप चले तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको ये कलर में देखने को मिलता है, काफ़ी प्यारा कलर है। और यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे आपको ये जो नया कलर दिया गया है यहाँ पे आपको कम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको यामा लिखा हुआ देखने को यामा का स्टिकर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको LED का सेटअप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अगर चले तो ये प्लास्टिक में आपको फ्रंट का मडगार्ड फेंडर देखने को मिल जाते हैं। दोनों साइड में आपको इसी तरह का कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो इस साइड और इस साइड देखने में काफ़ी अच्छा ये यूनिक कलर है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा कलर अभी तक के एफजेड एस में इसको लॉन्च किया गया है। और इसको हम ऑन करते हैं तो लाइटिंग को आप चेक कीजिए, आपको पायलट जो लाइट है वो हेलोजन में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको LED में लाइटें वगैरह देखने को मिलता है। लो बीम ये आपका हाई बीम का हो जाता है। तो इसको हम अभी करते हैं ऑफ और एक मिनट अभी हम इसको इंडिकेटर भी दिखाते हैं। तो इंडिकेटर में आप देख सकते हैं येलो कलर का आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो कि हेलोजन बल्ब में है। और कंसोल की तरफ चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोल मीटर, तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल इंजन लाइट ABS वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्यूल का इंडिकेटर करेगा, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे RPM और यहाँ पे कितना ट्रिप वगैरह है सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि डिजिटल बनाया गया है। यहाँ पे भी आपको यामा का लोगो देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर ऑन करने पर कुछ इस तरीके से ब्लिंक करता है लाइट, और हाई बीम ऑन करने पर कुछ इस तरीके से लाइट वगैरह इसका आता है। तो प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे और इसमें जो है एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। तो अब हम चलते हैं, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी हम चलते हैं हैंडल बार की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हैंडल बार में आपको हाई बीम लो बीम और पास का इसी में आपको देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको हॉर्न वगैरह देखने को मिल जाता है। राइट साइड में आपको इंजन क्विल स्विच और यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। और ये आपका क्लच हो जाता है, ये आपका फ्रंट का ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसकी की को देख सकते हैं, यहाँ पे की वगैरह लगाया जाता है। और इस तरीके से इसका दो की आपको इस बाइक के साथ में मिलते हैं। यहाँ पे आपको पेट्रोल टैंक का देखने को मिल जाता है। और अगर आप पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की तरफ चले तो यहाँ पे आपको 13 लीटर का पेट्रोल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है, 13 लीटर का। यहाँ पे आपको यामा का स्टिकर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको 3D में ब्लैक में आपको FZS लिखा हुआ देखने को मिलता है, और ब्लू और ब्लैक वाइट में आपको Version 3 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको ब्लू कलर और यहाँ पर भी आपको ब्लैक का स्टिकर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा इसका लुक निकल के सामने आ जाता है। यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में ये दिया गया है। तो पेट्रोल टैंक का डिज़ाइन चेंज नहीं किया गया, बट यहाँ पे आपको कुछ नए तरीके से इसके जो ग्राफिक्स वो देखने को मिल जाते हैं। इस साइड में चलें तो इस साइड में भी पेट्रोल टैंक पे आपको सेम इस तरह का ये क्रोम फिनिशिंग में और FZS ब्लैक और इसको वाइट में Version 3 लिखा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको ब्लैक और ब्लू और ब्लैक का स्टिकर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको यामा का स्टिकर देखने को मिल जाता है। तो लुक कुछ इस तरीके से इसका निकल के आता है। सामने आपको यहाँ पे सिंगल पीस सीट देखने को मिल जाता है। काफ़ी पहले से सीट में भी इसमें बदलाव किए गए हैं, जो कि पहले से काफ़ी कंफर्टेबल आपको देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आपको ब्लू कोल का स्टिकर देखने को मिलता है। और यहाँ से सीट पे बैठने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसका नज़ारा देखने को मिलता है।
फील होने वाला है। तो अब इंजन की तरफ चले तो यहाँ पे आपको यमा लिखा हुआ देखने को मिलता है। इंजन कैपेसिटी आपको 12.4 पीएस का पावर मिल जाता है और 13.3 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको प्लास्टिक का इंजन का देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको ये भी प्लास्टिक देखने को मिलता है और पेट्रोल टैंक पे भी आपको प्लास्टिक वगैरह फाइबर वगैरह देखने को मिलता है। और फ्रंट का जो फेंडर था वो भी आप चेक करें तो ये फाइबर में दिया गया फ्रंट का फेंडर। और यहाँ पे आप बैक साइड चलें तो यहाँ पे जो रियर साइड में है यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया गया, ये बिल्कुल प्लेन रखा गया है, एक कलर रखा गया है जो कि ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ग्रेवलर आपको देखने को मिल जाते हैं और एक ही ये ग्रेवलर सिंगल पीस में ग्रेवलर दिया गया है और यहाँ पे भी कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे भी इसका कलर काफ़ी प्यारा हो जाता है, जो भी लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एफजेड एस में। और बाकी अगर बैक साइड चलें तो यहाँ पे यमा MT15 का आपको टेल लाइट देखने को मिलेगा जो कि पहले आपको हेलोजन में आता था, इस बार भी इसमें चेंज आपको देखने को मिलते हैं। अभी हम इसको ऑन करके दिखाने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आपको हेलोजन का लाइट देखने को मिल जाता है गोल्डन कलर में। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिल जाते हैं दोनों साइड में, ये आपका नंबर प्लेट के लिए हो जाते हैं, ये रिफ्लेक्टर हो जाते हैं बैक साइड का। और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइट हो जाता है नंबर प्लेट पे, इसका लाइट आता है। तो अभी हम इसको करते हैं ऑन, उसके बाद दिखाते हैं आपको बैक साइड का कैसा लाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 15 की तरह ही अब इसका लुक निकल के सामने आ जाता है, पहले हेलोजन में आता था अब आपको LED में लाइट देखने को मिलता है और डिज़ाइन भी इसका चेंज किया गया है। और ये आप देख सकते हैं नंबर प्लेट का लाइट यहाँ से ये जाता है। तो ये कुछ है और बैक साइड में चले तो यहाँ पे भी आप चेंज देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्लू कलर में आपको एलोए व्हील का कलर देखने को मिलता है, रिम देखने को मिलता है ब्लू कलर में। ये आपको बैक साइड का मडगार्ड देखने को मिल जाता है जो कि बारिश के टाइम में जो बारिश का पानी है छींटे वगैरह जाने से ये बचाती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाते हैं, काफ़ी बड़ा ये आपको देखने को मिलता है। फाइबर में इसको दिया गया तो ये पूरा फाइबर में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको रिम ब्लू कलर में और यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। टायर साइज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं ऊपर करता हूँ, पर उससे पहले आप देख ले C8 का जूम आपको टायर देखने को मिलता है। इसको हम ऊपर करें तो यहाँ पे बैक साइड में आपको 140/60/17 का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप चले तो यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, ये भी फाइबर में दिया गया है और डुअल टोन में इसका कलर रखा गया है। ये आपका पिलियन का फुट पैक्स हो जाते हैं, ये राइडर का फुट पैक्स हो गया और ये आपको ब्रेक हो जाते हैं राइडर का। तो ये कुछ है, यहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया, सिर्फ एडजस्ट नोट आपको सुनाना। बाकी इस साइड भी ये पिलियन का फुट पैक्स हो जाता है, ये साड़ी गार्ड आपको इस साइड देखने को मिल जाते हैं और ये आपका राइडर का फुट पैक्स और ये आपका गियर वगैरह हो जाता है। इसमें इंजन साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच वाला इंजन सेंसर है तो यहाँ पे आप वायर वगैरह देख सकते हैं, इंजन कट ऑफ स्विच। और यहाँ पे मोनोस्पोक सस्पेंशन देखने को मिलता है, दोनों मॉडल में आपको सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं, 7-स्टेप एडजस्टेबल होते हैं। बाकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो इसका जो प्राइस है 1,40,000 ऑन रोड जाने वाला है और यहाँ पे आपको की मिलता है जिससे आप इसके सिंगल पीस सीट को खोल सकते हैं। तो अब अभी हम करते हैं इसको ऑन।